गिरिराज प्रसाद मीणा प्राध्यापक राजनीति विज्ञान राजकीय वरिष्ठ उपाध्याय संस्कृत विद्यालय दौसा आज हम इस पाठ के अंतर्गत जो वीडियो की शुरुआत करने जा रहे हैं वह है भारतीय किसान यूनियन से इसकी हम शुरुआत कर रहे हैं देखिए सत्तर के दशक से भारतीय समाज में कई तरह के असंतोष पैदा हुए और इन सब में विकास प्रक्रिया में कुछ लाभ भी हुआ था उनमें सरकार भी और राजनीतिक दलों के प्रति नाराजगी जो थी तो अस्सी के दशक का कृषक संघर्ष इसका एक ज्वलंत उदाहरण बना जो धनी किसानों ने सरकार की नीतियों का विरोध किया था इस आंदोलन के उन्नीस के जनवरी में उत्तर प्रदेश के एक शहर मेरठ से लगभग बीस हज़ार किसान जमा हुए और वे किसान सरकार द्वारा बिजली के दौरान की गई बढ़ोतरी का विरोध कर रहे थे किसान जिला समाहर्ता के दफ्तर के बाहर तीन हफ्ते तक ये डेरा डाले रहे उसके बाद किसानों की मांगों को मानी गई और किसानों ने यह आंदोलन जो धरना दिया था बड़ा अनुशासित था और जिन दिनों में वे धरने पर बैठे थे उन दिनों में आसपास के गांवों से निरंतर उनको लोगों को राशन की सामग्री मुहैया कर कराते रहे वो लोग जिससे काश्तकारों की शक्ति का एक बड़ा प्रदर्शन माना गया और धरने पर बैठे जो किसान भारतीय यूनियन के सदस्य थे बी यू पश्चिमी उत्तर प्रदेश और हरियाणा के किसानों का यह संगठन था अस्सी के दशक में किसान आंदोलन एक अग्रिम संगठनों में एक था इस प्रकार तीसरे अध्याय में हमने ये पढ़ा भी था कि सरकार ने जब हरित क्रांति की नीति अपनाई तो उन्नीस के दशक में अंतिम सालों में हरियाणा पंजाब पश्चिमी उत्तर प्रदेश के किसानों को फायदा होना शुरू हो गया था उसके बाद ये सालों में यहाँ गन्ना और गेहूँ की मुख्य नकदी फसल ये लोग बोने लगे और उन्नीस सौ अस्सी के दशक में उत्तरार्ध में भारतीय अर्थव्यवस्था के उदारीकरण के प्रयास से नकदी फसलों के बाजार को संकट का सामना करना पड़ा और सरकार मूल्य में बढ़ोतरी करने कृषि उत्पादकों के अंतर्राज्यीय आवाजाही पर लगी पाबंदियाँ हटाने समुचित दर पर गारंटीशुदा बिजली आपूर्ति करने किसानों के बकाया कर्ज माफ़ करने ये ऐसी बातें थी जो किसानों के लिए पेंशन का प्रावधान की भी मांग की गई थी तो ये कुछ ऐसे मुद्दे थे जिनको लेकर के किसानों ने आंदोलन किया था ऐसी मांगें देश के अन्य किसान संगठनों ने भी उठाई और सौदा का संगठन ने किसानों के जो आंदोलनों को इंडिया की ताकतों के खिलाफ भारत का संग्राम करार दिया जो हमने तीसरे पाठ में पढ़ भी चुके हैं कि भारत में अपनाए गए विकास के मॉडल में जुड़े विवादों में कृषि बनाम उद्योगों का विवाद एक प्रमुख रहा है इस आंदोलन की मुख्य विशेषता रही कि अपनी मांगों को मनाने के लिए दबाव डालने के क्रम में बीके ने रैली धरना प्रदर्शन जेल भरो आंदोलन का सहारा लिया तथा आसपास के इलाकों के गांवों के हज़ारों किसानों ने भाग लिया पूरे अस्सी के दशक में बीकू के राज्य एक जिला मुख्यालय पर किसानों की विशाल रैलियों का आयोजन हुआ देश की राजधानी दिल्ली में भी किसानों की रैली हुई तथा यहाँ किसी औपचारिक संगठन ढांचे के अभाव के बावजूद बीके अपने को लंबे समय तक कायम रख सका क्योंकि यह संगठन अपने सदस्यों के जातिगत का संपर्क जाल पर आधारित था और बीके के लिए धनराशि और संसाधन इन्हीं संयंत्रों में जुटाए घर और इन्हीं के सहारे बीकेई की गतिविधियों को संचालन किया गया उन्नीस सौ नब्बे के दशक में शुरुआत में बीके ने अपने को सभी राजनीतिक दलों से दूर रखा और अपने सदस्यों की संख्या के दम पर राजनीति में एक दबाव समूह की तरह सक्रिय रहा अब किसान आंदोलन 80 के दशक में सबसे ज़्यादा सफल रहे और आंदोलन के पीछे अनेक सदस्यों की राजनीतिक भूलभाव की क्षमता का हाथ था यह आंदोलन मुख्य रूप से देश के समृद्ध राज्यों में सक्रिय था खेती को अपनी जीविका का आधार बनाने वाले अधिकांश भारतीय किसानों के विपरीत बीके यू ने जो रणनीति अपनाई उसके तहत यह आंदोलन है संगठन बाजार के लिए नकदी फसल उपजाते थे और बीके के समान राज्यों में अन्य किसान संगठनों ने अपने सदस्यों के बीच बनाए जिनके क्षेत्र को चुनावी राजनीतिक माहौल था और महाराष्ट्र के संगठन में कर्नाटक रहने ऐसे किसानों का एक जीवंत उदाहरण अब हमारा अगला जो बिंदु है वह है ताड़ी ताड़ी विरोधी आंदोलन ताड़ी विरोधी आंदोलन है, ये भी बी कोई उत्तर प्रदेश में किसानों को लामबंद कर रहा था उसी समय दक्षिणी राज्यों आंध्र प्रदेश में आ आकार ले रहा था ताड़ी आंदोलन विरोधी आंदोलन महिलाओं का एक स्वतः स्फूर्त आंदोलन था ये महिलाएं अपने आस पड़ोस में मदुरा की बिक्री पर पाबंदी की मांग कर रही थी और वर्ष उन्नीस सौ के सितंबर और अक्टूबर माह में इस तरह की खबरें तेलुगु प्रेस में लगभग रोज दिखती थी गांव का नाम बदला जाता था खबर वैसी की वैसी होती थी तो ग्रामीण महिलाओं ने शराब के खिलाफ लड़ाई छेड़ी थी सरकार लड़ाई माफिया और सरकार दोनों के खिलाफ थी इस आंदोलन में ऐसा रूप धारण कर लिया कि राज्य में ताड़ी विरोधी आंदोलन के रूप में जाना जाता है ताड़ी विरोधी आंदोलन क्या है आंध्र प्रदेश में महिलाओं के द्वारा शराब के विरुद्ध जो अभियान आंदोलन छेड़ा गया था उसे ताड़ी आंदोलन के नाम से जाना जाता है यह आंदोलन आंध्र प्रदेश के नेल्लौर जिले का एक दूर दराज गाँव दोबर घंटा ने में उन्नीस सौ नब्बे के शुरुआत के दौर में महिलाओं के बीच प्रौढ़ साक्षरता कार्यक्रम चलाया गया था और इस प्रौढ़ साक्षरता कार्यक्रम के माध्यम से पंजीकरण कराया कक्षाओं में महिलाओं महिलाएं घर के पुरुषों द्वारा देसी शराब ताड़ी आदि पीने की जो शिकायतें करती थी ग्रामीणों को शराब की गहरी लत लग चुकी थी जिसके चलते शारीरिक और मानसिक रूप से ये लोग कमजोर हो गए थे शराबखोरी के क्षेत्र में ग्रामीण अर्थव्यवस्था बुरी तरह से प्रभावित हो गई थी शराब के ठेकेदार मदिरा व्यापार पर एकाधिकार बनाए रखने के लिए अपराधों में व्यस्त थे शराबखोरों में सबसे ज़्यादा दिखते हैं महिलाओं को रहती है उससे परिवार की अर्थव्यवस्था चरमराने बनाने लगी परिवार में विभिन्न प्रकार से तनाव की स्थिति भी पैदा हुई इस तरह के अभियानों में महिलाओं के मुद्दों के प्रति समाज में व्यापक जागरूकता जागरूकता पैदा हुई धीरे धीरे महिला आंदोलन कानून सुधार से हटकर हटकर सामाजिक टकराव के मुद्दों पर खुले तौर पर बात करने लगी ऐसी स्थिति में समान राजनीति के प्रतिनिधित्व की बात करने लगी और आपको हमारे संविधान में जो तेहतरवें और में संविधान संशोधन है ये महिलाओं को स्थानीय राजनीति निकाय में आरक्षण दिया गया है इसी व्यवस्था को राज्य की विधान सभाओं तथा संसद में लागू करने की मांग की जा रही है तो इस प्रकार से विधेयकों के अंतर्गत दलित और पिछड़े वर्ग की महिलाओं ने अलग से आरक्षण की भी मांग कर रहे हैं अब अगला बिंदु हमारा अगला आंदोलन है नर्मदा बचाओ आंदोलन नर्मदा बचाओ आंदोलन में क्या है कि नर्मदा नर, बचाओ आंदोलन में एक सामाजिक आंदोलन जिनके बारे में हमने अभी तक चर्चा की है देश की आज़ादी के बाद अपनाए गए आर्थिक विकास के मॉडल पर सवालिया निशान साधते हैं अब यहाँ एक और चिपको आंदोलन ने इस मॉडल में न्याय का पर्यावरण वित्तीय विनाश के मुद्दे को सामने रखा वहीं दूसरी ओर किसानों ने कृषि क्षेत्र के अनदेखी पर रोष प्रकट किया इसी तरह दलित समुदाय ने सामाजिक आर्थिक परिस्थिति का संघर्षों को ली गई ताड़ीबंदी आंदोलन के विकास को नकारात्मक पहलू दिया अब सरदार सरोवर परियोजना थी आठवें दशक के अंतर्गत भारत के मध्य भाग में स्थित नर्मदा घाटी में विकास परियोजना के तहत मध्य प्रदेश गुजरात और महाराष्ट्र से गुजरने वाली नर्मदा और उसकी जो सहायक नदियां हैं उन पर 30 बड़े बांध और 135 सौ और 300 छोटे बांध बनाने का प्रस्ताव रखा गया गुजरात के सरदार सरोवर और मध्य प्रदेश के नर्मदा सागर बांध के रूप में दो मुख्य परियोजना दो मुख्य परियोजनाएं थी और जो बहुउद्देशी परियोजनाओं का निर्धारण किया गया नर्मदा नदी के बचाव में नर्मदा बचाओ आंदोलन चला इस आंदोलन ने बांधों के निर्माण का विरोध किया नर्मदा बचाओ आंदोलन में के साथ साथ देश में चल रही विकास परियोजनाओं के औचित्य पर भी सवाल उठाए गए ऐसी प्रकार से सरदार परियोजना के अंतर्गत एक बहुद्देशीय विशाल बांध का प्रस्ताव था और बांधों का समर्थन का कहना था कि इसमें इससे में तीन पड़ोसी राज्यों को पीने के पानी सिंचाई और बिजली के उत्पादन की सुविधा मुहैया कराई जाएगी और कृषि की उपज में गुणवत्ता बढ़ोतरी होगी लेकिन यहाँ बाढ़ और सूखे की आपदाओं पर अंकुश लगाया जा सकेगा ऐसी योज उद्देश्य योजनाओं को लेकर बांध के निर्माण से संबंधित राज्यों के 245 गांव डूब में आ रहे थे अतः प्रभावित गांवों के करीब ढाई लाख लोगों को पुनर्वास का मुद्दा स्थानीय कार्यकर्ताओं ने उठाया और इन गतिविधियों में एक आंदोलन की शक्ल ली तो स्थानीय स्वयंसेवी संगठनों ने खुद को नर्मदा बचाओ आंदोलन के रूप में गठित किया अब इसमें वाद विवाद और संघर्ष क्या रहा कि नर्मदा आंदोलन अपने गठन की शुरुआत से सरदार परियोजना को विकास परियोजना के जो वृहत मुद्दे हैं से जोड़ कर के, के देखा जा रहा था यह आंदोलन विकास के मॉडल और उसके सार्वजनिक औचित्य पर सवाल उठाता था, था जो दलील ये दे रहा था है कि अब सरकार तक की सभी विकास परियोजनाओं पर खर्चे का विश्लेषण किया जाए आंदोलन के अनुसार परियोजनाओं की लागत विश्लेषण इस बात पर भी लिया जाना चाहिए कि समाज के विभिन्न वर्गों को इस परियोजना का क्या खामियाज भुगतना पड़ेगा आंदोलन के नेतृत्व तो ने इस बात को और ध्यान दिलाया कि इस परियोजना का लोगों के पुनर्वास उनकी आजीविका संस्कृति तथा पर्यावरण पर जो बुरा असर पड़ रहा है तो शुरुआत में आंदोलन ने यह मांग रखी कि परियोजना की जो प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से प्रभावित सभी लोगों को समुचित पुनर्वास किया जाए आंदोलन के लोगों ने इस महाकाय विकास परियोजना के निर्माण में प्रक्रिया के सवाल भी उठाए नर्मदा बचाओ आंदोलन में ऐसी परियोजना का निर्माण प्रक्रिया में स्थानीय समुदाय की भागीदारीता चाहिए और जल जंगल जमीन और प्राकृतिक संसाधनों पर प्रभावी नियंत्रण भी उन्हीं का होना चाहिए आंदोलन ने एक महत्वपूर्ण सवाल यह भी उठाया कि लोकतंत्र के कुछ लोगों के लाभ के लिए अन्य लोगों को नुकसान क्यों उठाया जा रहा है इसी तरह के सवालों से जूझते हुए इस आंदोलन ने अंततः पुनर्वास की मांग से आगे कदम बढ़ते बढ़ाया और यह आंदोलन बड़े बांधों की खुली मुला मुखालफत करता है अर्थात इस आंदोलन ने नर्मदा बचाओ आंदोलन ने ये सरेआम ये लगा दिया एक आक्षेप कि जो बड़े लोग हैं वो बड़े लोग या कुछ लोगों के अपने दायित्वों को पूरा करने के लिए या अपने स्वार्थों की पूर्ति करने के लिए अधिक लोगों को अधिक जनता को क्यों परेशान किया जा रहा है नर्मदा आंदोलन के कार्यकर्ताओं का गुजरात जैसे राज्य में तीव्र विरोध हुआ और सरकार ने नैब पायलिका दोनों ही यह स्वीकार करते हैं कि लोगों को पुनर्वास चाहिए सरकार द्वारा 2003 में स्वीकृत राष्ट्रीय पुनर्वास को नर्मदा बचाव आंदोलन की उपलब्धि का मुख्य आधार भी रखा और तीव्र विरोध को झेलना भी पड़ा आलोचकों ने यह कहना है कि जो राष्ट्रीय आंदोलन हुए हैं उनमें आइडियल रवैये विकास की प्रक्रिया पानी की उपलब्धता और आर्थिक विकास में बाधा उत्पन्न कर रहे हैं सुप्रीम कोर्ट ने इस मामले में सरकार को बांध का काम आगे बढ़ाने की हिदायत दी लेकिन इसके साथ साथ यह भी आदेश दिया कि प्रभावित लोगों को पुनर्वास सही ढंग से किया जाए नर्मदा बचाओ आंदोलन के अंतर्गत यह अपनी मांग मुख्य बरकरार रखा और इन्होंने हर रणनीति का इस्तेमाल किया आंदोलन ने अपनी बात न्यायपालिका से लेकर अंतर्राष्ट्रीय मंच पर रखी और सार्वजनिक रैलियां तथा सत्याग्रह जैसे तरीकों से प्रयोग भी किया परंतु विपक्षी दलों सहित मुख्य धारा की राजनीतिक पार्टियां बीच आंदोलन को कोई खास जगह नहीं बना पाई थी जो राजनीतिक दलों के बीच निरंतरता की जो बढ़ती हुई विधियाँ थी वो नौवे दशक के अंत तक पहुँचते पहुँचते नर्मदा बचाओ आंदोलन में एक स्थानीय समूह और आंदोलन भी जुड़े इससे अपने अपने क्षेत्र के विकास की बृहद परियोजनाओं का विरोध करते थे इस मुकाम तक अपने नर्मदा बचाओ आंदोलन विभिन्न हिस्सों में चल रहे स्वयं धर्म आंदोलन का गठबंधन का अंग बन गया इस प्रकार से जन आंदोलनों का इतिहास लोकतांत्रिक राजनीति को बेहतर ढंग से समझने में मदद देता है और दलिया आंदोलन अनियमित ढंग से खड़े नहीं हो जाते हैं उन्हें समस्या के तौर पर नहीं देखा जाना चाहिए इन आंदोलनों का उद्देश्य दलित राजनीति की खामियों को दूर करना था और इसी रूप में आंदोलनों का देश की लोकतांत्रिक राजनीति के अहम हिस्से को देखा जाना चाहिए सामाजिक आंदोलनों के अंतर्गत समाज के नए वर्गों को सामाजिक आर्थिक समस्याओं के जो अभिव्यक्ति दी गई दिक्कतों को चुनावी राजनीति के जरिए हल नहीं कर पा रहे थे इन्होंने आंदोलन अपनी बात रखने और बेहतर माध्यम बनाए कर उभरे जिससे तनाव और जनता के शो को एक सार्थक दिशा प्रदान की इन आंदोलनों के आलोचकों ने यह भी दलील दी कि हड़ताल धरना रैली जैसे सामूहिक कार्रवाई से सरकार के कामकाज पर बुरा असर पड़ता है उनके अनुसार सरकार के निर्णय प्रक्रिया बाधित होते हैं तथा रोजमर्रा की लोकतांत्रिक व्यवस्था भंग होती है इस तरह दलित एक और गहरे सवाल को जन्म देती है और सवाल यह कि जन आंदोलन ऐसे सामुदायिक गतिविधियों का सहारा क्यों लेते हैं इस अध्याय में हमने ये भी देखा है कि जन आंदोलन जनता की जायज़ मांगों को नुमाइंदा बनकर उभराए और नागरिकों के एक बड़े समूह को अपने हाथ जोड़ने में कामयाब हासिल किए हमें ये भी ध्यान दे देने योग्य बात है कि आंदोलनों द्वारा लामबंद की जाने वाली जनता सामाजिक और आर्थिक रूप से वंचित तथा अधिकारहीन वर्गों से संबंध रखती है और जन आंदोलन द्वारा अपनाए गए तौर तरीके से रोजमर्रा की लोकतांत्रिक प्रक्रिया में इन वंचित समूहों को अपनी बात करने का पर्याप्त मौका नहीं मिलता था इस कारण ये समूह चुनावी शासन भूमि से अलग जन कार्रवाई और लामबंद की रणनीति अपनाते हैं तो ये कुछ ऐसे आधार रहे हैं जिसके परिणामस्वरूप इन आंदोलनों में देश की जनता को और यहाँ चालू मुआशिया में सामाजिक समूह में आर्थिक नीतियों का दुष्प्रभाव पड़ा है और ये राजनीतिक दल खास ध्यान नहीं देते हैं और नई मुख्य धारा की इन पर ध्यान देती है ऐसी जनधाराओं का रास्ता बचाना और जन आंदोलनों को काम करते हैं ये राजनीतिक दलों के चालू मुहावरे अपने आप में मुद्दे उठाते रहते हैं तो आंदोलनों से कुल मिलाकर भारत में सामाजिक आंदोलन बहुत दिनों से जनता को अपने जागरूक बनाने में कामयाब रहा है और राजनीतिक नीतियों को भी इस आंदोलन से काफ़ी सीमित रहा है और समकालीन सामाजिक आंदोलनों एक मुद्दे से इर्द गिर्द ही जनता को लामबंद करते हैं इस तरह समाज के एक वर्ग में प्रतिनिधित्व कर पाते और सीमा के चलते सरकार का आंदोलन जायज मांगों को ठुकराने का साहस कर पाते हैं इस प्रकार से यह आंदोलन रहते हैं और कुल मिलाकर सार्वजनिक नीतियों से आंदोलनों का सर काफ़ी सीमित रहा और समकालीन सामाजिक आंदोलन एक मुद्दे में जनता को लामबद्ध करते हैं जिसे लोकतांत्रिक राजनीति वंचित वर्ग के गठबंधन से लेकर जबकि जन आंदोलन के नेतृत्व में ये बात संभव नहीं हो पाती और राजनीतिक दलों को जनता के विभिन्न वर्गों के बीच में सामंजस्य बैठाना पड़ता है तथा अधिकारहीन लोगों के मुद्दों पर ध्यान देना जो छोड़ दिया जाता है अब जन आंदोलन का नेतृत्व ऐसे मुद्दों को सीमित ढंग से उठा पाते हैं और विगत वर्षों में राजनीतिक दलों और जन आंदोलनों का आपसी संबंध कमजोर होता गया है जिससे राजनीति में शून्यपन का माहौल बन हाल ही के वर्षों में भारत की राजनीति में एक बहुत बड़ी समस्या के रूप में उभर करके सामने आया है